तो हेलो एवरीवन, तो आप समझ ही गए होंगे और मैं कहाँ आई हूँ। तो जिस किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं पहुँच गई अपनी मंजिल पर। और शायद आप सब इन्हें जानते हो, ये बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। तो आइए आप सबको मैं मिलाती हूँ इनसे और आप सबको अच्छा लगेगा इनसे मिलकर। तो ये देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ। थारी और अपनी बना लेंगे हम, क्या बात है। मेरी फ्रेंड आई है मेरे से मिलने के लिए, बहुत दूर से आई है बेचारी, सुबह से चली हुई, अब आके लगी है। बहुत पुरानी फ्रेंड है मेरी, अभी कुछ भी खोया प्यार नहीं, पहले मैंने घर कमरे में बंद कर लूं। कमरे में बंद करके पहले वैसे खतर पानी कर। अरे मजाक हो रही है यार, सीरियस मत लियो बात, तो मजाक कर रही हूँ। उससे मिलने के लिए आई है इतनी दूर, मुझे अच्छा लगा कोई मुझसे मिलने आया। कह रहे कौन भैया को देख कर लाइए अरुका। तो गाइस अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ हम कर रहे हैं चाय नाश्ता। तो चाय तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी तो कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हैं। और हम आए हैं ज्योति जी से मिलने के लिए, बहुत दिन से इंतज़ार था। ज्योति जी बहुत दिन से बोल रही थी आने के लिए, पर मुझ पर टाइम नहीं था तो इसलिए नहीं आ पाई। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अब चलती हूँ उनसे मिलने के लिए और आप सबको भी मिलाती हूँ और आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। तो गाइस ये हैं ज्योति ब्लॉगर, जो आप सब जानते होंगे वैसे तो जो नहीं जानता उन्हें मैं बता देती हूँ, ये एक यूट्यूबर हैं। तो हम आए थे इनसे मिलने के लिए और यहाँ बच्चे बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर मुझे और बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ बैठकर हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया मिलकर के। और मतलब कि बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लग रहा था मिलकर ज्योति से। तो ज्योति जी यहाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं और यहाँ हम बातें कर रहे हैं ढेर सारी, और बातों में बातें निकलती चली जा रही हैं। तो हम ढेर सारी यहाँ बातें कर रहे हैं। और अवनी भी हमारे पास बैठी है, कायरव भी बैठा है हमारे पास। तो यहाँ बच्चे कर रहे हैं मस्ती। कौन आया बता, अच्छा बता तेरे घर पे कौन आया। मौसी तू बता कहाँ रहे। हाँ बोल, कुछ तो बोला कर। वो बताओगे एक मज़ भाई। हाँ कौन आया बाबू, है भाई घूम गए पता। गूंगी गूंगी बनकर दिखा रही बोलती है। ये तो क्या मेरे मुंह देखा करा पिछे का पोर्शन देख हमारे घर का इंगे का लाऊं बोला दिखा के। हां दुगैया बंद तो कर लिया ना। ये तो हमारे कुत्ते काटने की मशीन है। हां इस पे चढ़ा था, इस वाले पंखे पर जो लगा चोट। हां अरे एक पंखा है और गाय, ये है हमारी गाय बछड़ा, ये है इनकी गाय और ये बछड़ा। हाँ लड़का बछड़ा। ये इनका टावर। हाँ ये है हमारा एयरटेल का टावर, मम्मी ने लगा रखे हैं। ये सब्जी बो रखी है मम्मी ने, ये सब्जी बो रखी है तोरिया। तोरी ये तोरिया ही मीठे कद्दू भी दिखाएंगे। अच्छा मम्मी उगाओ जा। हाँ सही तोरी अच्छा कर रहा है बहुत ज़्यादा। बस अच्छा तो अच्छा ही हो, और हाँ अपना घर अपना हो, बस सर ढकने के लिए छत मिल जाए। जो ये दिखाती है ना वीडियो में, ये हमारी कुट्टी काटने की मशीन, काटने वाली मशीन ये वाली। और ये इनका वो ठेला आगे में बुग्गी ठेला बुग्गी एक बड़ी बुग्गी पर अटैक कर रही है। आम का पेड़ आप दिखाओ, आम का पेड़ कौन सा, ये वाला ऊपर। हाँ ये आम का पेड़ है इनका, और पकाने का दोनों से अमरूद का दिखाओ मारा थे। हाँ कहाँ अच्छा था हमारा उसका, एक तो नहीं रहा सारे दिन यहाँ अमरूद का पेड़। फिर लोगों को यकीन आ जाएगा सच्चे गई थी। अमरूद का पेड़ अमरूद आ रहा है छोटे तोड़ोगे छोटे छोटे बेटा फोन नहीं देखते तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। हम्म
आप गिर जाओगे। ज्योति जी मेरे लिए अमरूद तोड़ रही हैं, ये देखिए मीठे मीठे अपने अमरूद के पेड़ से। मम्मी ये वाले आलू डंड दिए अपनी छोटे अपनी उतर का कर बाबू आप गिर जाओगे नीचे उतर जाओ पक्के निकल लेकर आए सब कच्चे हैं रहने तो पक्के लग रहे दो तीन यार पर मैं नीचे जाना पड़ेगा मम्मी जब मेरा फोन ठाक लगी है कहाँ फोन मशीन पर रखा तो कुछ नहीं मम्मी हाँ खड़ी हो सकती है थोड़ा बस पक जाते होंगे तो खूब खूब आ जाते होंगे सले पे रखा देख अभी मत खाइए पहले साफ करेंगे सले पे स्लाइस की बोतल का दौरा को वहीं रखा होगा देख बाबू मुंह पे नहीं लगा रहे हाथ दूंगी फिर फोन पे घंटी करिए नहीं नीचे कर दो मशीन को भी नहीं कपड़े धोने की